नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक तरफ योगी सरकार के मदरसों के सर्वे को लेकर विरोध हो रहा है, जमीयत उलेमाए हिंद योगी सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के एक फैसले ने इन विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है, जो कहते हैं कि योगी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ दोहरा रवैया अपना रही है, उनके लिए ये सरकार का जवाब है। योगी सरकार एक योजना लाई है जिससे अल्पसंख्यकों के मौके पर लेटर दे दिया जाएगा, मतलब जब वो युवा वापस अपने घर जाएगा तो उसके पास पक्की नौकरी होगी। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद ने भी इसका विरोध कर दिया है। वहीं इन सब के बीच योगी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले युवाओं के रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के भविष्य के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अल्पसंख्यक युवाओं को शिक्षित करके उनको रोजगार देना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार योगी सरकार अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन करेगी। इस रोजगार मेले को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने सेवा योजन और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके चर्चा की। इसके बाद प्रस्ताव तैयार करने का काम शुरू हो गया है। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि रोजगार मेला खासकर उन इलाकों में लाया जाएगा जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। सरकार के अनुसार अब अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार के भरपूर मौके मिलेंगे, अब नौकरी देने वाले ही उनके पास पहुंचेंगे। इसके लिए सरकार कंपनियों को आमंत्रित करेगी। इतना ही नहीं, रोजगार मेले को लेकर योगी सरकार इस तैयारी में भी है कि अल्पसंख्यक युवाओं को मौके पर ही टेस्ट वेरिफिकेशन करा के अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाए, ताकि वो जब वापस घर लौटे तो उनके पास पक्की नौकरी हो। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सभी 18 मंडलों के अल्पसंख्यक आबादी वाले इलाकों में रोजगार मेला आयोजित करने की तैयारी है। सेवा योजना विभाग के निदेशक हरिकेश चौरसिया और संयुक्त निदेशक पीके पुंडीर के साथ इस और विस्तृत चर्चा कर इसका खाका तैयार किया गया। इसके तहत इसमें दो कैटेगरी होगी। पहली कैटेगरी ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर युवाओं के लिए होगी, उसमें उन अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के युवाओं को मौका मिलेगा। ग्रेजुएट युवाओं को रिटेल, आईटी समेत कई क्षेत्रों में ऑफिस जॉब के लिए रोजगार दिया जाएगा। इस प्रस्ताव के अनुसार कंपनियां युवाओं को सीधे हायर करेंगी। दूसरी कैटेगरी उनके लिए है जिनके पास हुनर है लेकिन उनके पास सीधे कोई काम नहीं पहुंचता। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में रोजगार मेले के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों के अल्पसंख्यक मंत्रालयों में बजट की व्यवस्था भी की गई है। जमीयत उलेमाए हिंद और बाकी मुस्लिमों के सरपरस्त अब अपने बिलों में घुस जाएंगे। वो लोग इस फैसले के समर्थन में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी दुकान विकास में मामलों पर बंद हो जाती है। सरकार के ऐसे फैसलों से मुसलमान को बरगला नहीं पाएंगे, उनका ब्रेन वॉश नहीं कर पाएंगे, जिहाद के लिए भड़का नहीं पाएंगे। लेकिन योगी सरकार का ये कदम काफी ऐतिहासिक है। इससे पहले किसी सरकार ने ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया था। सरकार के इस फैसले से लोगों को भी समझना चाहिए कि सरकार उनकी भलाई के लिए काम कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।